अज गल करांगे पंजाब दे सियासी माहौल दी, अज गल करांगे पंजाब दे सियासी हालात दी, अज गल करांगे पंजाब दे राजपाल वल्लों पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब नूं लिखे दो सफ़ियां दे उस पत्र दी, जिहड़े पत्र ने पंजाब दी सियासत दे विच इक तरां नाल भचाल लिया के रख दिता। पंजाब दे राजपाल ने ऐसा की लिखिया, पंजाब दे मुख्यमंत्री नूं गल उहदे ते करिए। पंजाब दे राजपाल कोलों पंजाब कैबिनेट वल्लों मीटिंग करन उपरंत सहमति मंगी गई सी पंजाब दा बजट अजलास शुरू करने वास्ते। पंजाब दे राजपाल ने उस चिट्ठी नूं देखिया वाचिया ते उहदा जवाब दिंदिआं उन्होंने कहा कि पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान वल्लों पिछले दिनी जिहड़े उन्हां वल्लों सवाल पुछे गए सी, भाव राजपाल वल्लों मुख्यमंत्री तों पुछे गए सी, उन्हां सवालों का जिस तरीके दे नाल पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब ने जवाब दिता और जिस तरीके दे नाल उहनूं पब्लिक डोमेन दे विच लैके आए ने, सोशल मीडिया दे उत्ते उहदी पत्र वायरल कीता और दूसरा ट्विटर दे उत्ते उन्होंने जवाब जिहड़ा दिता, वह कहिंदे मैं इस चीज़ नूं अपनी तोहीन मानदा, पंजाब दे राजपाल दा इह बयान है। तो दूसरे पासे उन्हां दा कहना है कि वह इस चीज़ के उत्ते कानूनी राय लै रहे हैं कि भगवंत मान उन्हां वल्लों जिहड़ा इस तरह का किया जा रहा विहार किया जा रहा उन्हां नाल कि वह जायज़ है, कि वह ठीक है। सो उस तो बाद ही कहिंदे पंजाब विधानसभा सैशन दी तरीकां दा ऐलान किया जाएगा जां पंजाब विधानसभा दा सैशन बुलाउण दे लई सहमति राजपाल वालों दित्ती जाएगी। सो हुण इस तो बाद एक वड्डा जिहड़ा सियासी बवाला वह पंजाब दे विच शुरू हो चुके है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि सिद्धम सिद्धा बीजेपी का दखल है स्टेट पंजाब दे विच, इह सिद्धम सिद्धा पंजाब दी आम आदमी पार्टी नूं दबाउण दी कोशिश है बीजेपी दी। दूसरे पासे अकाली दल गल कह रहे हैं कि ये जिस तरह पहला राजपाल नूं पंजाब दे वख-वख सरहदी इलाकों का दौरा करवाते रहे हैं पंजाब दे मुख्यमंत्री और इस अलावा वख-वख यूनिवर्सिटियां दे विच कहिंदे नाल लिआंदे रहे हैं, सो अज कहिंदे उसे दा सिट है। पर इस तो अलावा अगली गल करिए तां पंजाब दे साबक मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी, कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि पंजाब दे विच राष्ट्रपति राज भाव गवर्नर राज लागू कर देना चाहिए। सो ये जिहड़ी सियासत पंजाब दी इस दो सफ़ियां दी चिट्ठी ने शुरू की है, ये कदों रुकेगी, किस रूप च रुकेगी? पंजाब विधानसभा का बजट सैशन जिहड़ा कि बहुत अहम है, पंजाब दे बहुत सारे मुद्दों के उत्ते इहदे उत्ते चर्चा होनी है, ये कदों बुलाया जाएगा? पंजाब दे लई बजट जिहड़ा पंजाब दा वह कदों पेश किया जाएगा? एक अहम इजलास है। तो इस तों इलावा इस दे विच बहुत सारे जिहड़े पंजाब दे लई संबंधित पंजाब नाल मुद्दे ने, चाहे वह लॉ एंड ऑर्डर का, चाहे वह नशियां दा, चाहे होर गैंगवार दीयां घटनावां पंजाब दे विच दिन प्रति दिन वध रहियां ने, बंदी सिंघां दा मामला ते बेअदबी नूं लैके बरगाड़ी दे विच चल रहा इंसाफ मोर्चा जिहड़ा वह भी अपना ध्यान खिंचदा, विधानसभा दे विच इहदे उत्ते भी चर्चा हो सकती है। पर यह इजलास कदों आएगा, किवें किस रूप च आएगा, इहदे लई सानूं थोड़ा जिहा इंतजार होर करना पएगा। तो इस तों इलावा अगर गल करिए तां भाई अमृतपाल सिंह उहनां दी, ते अज अजनाला दे विच जिस तरह उन्हां वल्लों एक वड्डे इकट्ठ दे रूप दे विच अपने आप नूं पेश कीता गया, आखिरकार पंजाब पुलिस जिहड़ी इस गल ते सहमत हुई है जां राजी हुई है कि जिहड़े उह केस ने उन्हां दे, उन्हां नूं दुबारा जिहड़ा वाचिया जाएगा, देखिया जाएगा। SIT दा गठन कीता गया और जिहड़े उन्हां दे साथी गिरफ्तार कीते उन्हां नूं जल्द रिहा करन दा जिहड़ा फैसला पंजाब पुलिस वल्लों लिया गया, अधिकारिक तौर पर संबंधित SSP साहब ने इस दी पुष्टि की है। तो इस तों इलावा गल करिए सिमरनजीत सिंह मान ने भाई बलवंत सिंह राजूवाणा के बयान के उपर अज अपनी प्रतिक्रिया देंदे हुए कहा कि बलवंत सिंह राजूवाणा नूं इह नहीं भुलना चाहिए, जदों उन्हां दी फांसी की माफ़ी दे लई पंजाब ने, तो उन्हां खुद ने सिमरनजीत सिंह मान उन्हां ने कहिंदे असीं हमला मारिया सी, तो कहिंदे उदों मैं भी जेल कट के आए हाँ इन्हां दे मामले दे विच, तो ये असीं अपने आप नूं ठगिया महसूस करदे हां। कहिंदे जे उन्हां दा बंदी सिंघां दी रिहाई दे इस अंदोलन दे नाल कोई वास्ता नहीं है, तो वह कहिंदे वह आपदी पार्टी अकाली दल नूं भी इह गल कहण कि वह जिहड़े हस्ताक्षर करवा रहे ने लखां लोकां दे वह भी करवाने बंद कर देन। सो इन्हां तीन चार मुद्दों के उत्ते अज काफ़ी सियासत पंजाब की गरमाई है। सो आने वाले दिनों दे विच की कुछ होर सामने आउंदा, बरगाड़ी इंसाफ दे लई लगाया गया मोर्चा किस पासे चलदा, तो बंदी सिंघां दी रिहाई दे लई चल रहा मोर्चा वह की रंग दिखाउंदा, आने वाले दिनों दे विच सरकार किन्नियां क मंगां मंनदी है, तो यह किन्ना क प्रभाव अपना सरकार केंद्र दे उत्ते जां पंजाब दे उत्ते पाउण दे विच कामयाब हुंदा है। इस तों इलावा 24 तरीक नूं सबक DSP बलविंदर सिंह सेखों की पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट के पेशी,
भी जी है काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि पिछले दिन उन्होंने पंजाब पुलिस वालों गिरफ़्तार किया गया तो बलविंदर सेखों ने जमानत लैण तो मना कर दिता है तो हुण उन्होंने 24 तरीक न अदालत में पेश किया जाएगा तो अदालत अगला अदालत का की रुख होएगा ये उत्ते भी नज़र बनावे आने वाले प्रोग्रामों।